channel Mission One Lift. It's Mala Singh and I just want to welcome you again on this channel. Kaise ho aap sab and how's your preparation going on? So I think maine kafi zyada content post kar diya already. So agar abhi bhi aap stuck ho to aap ek bar sare videos dekh sakte ho jisse ki aapka mind ekdam prepare ho jaye ki haan kis tarike ka model aata hai aur aapko exactly kaisa banana chahiye. Okay? So in this video we are going to make bag jisme ki tools bag hota hai basically. To isme jiske liye bhi hum banayenge usi se inspire hum uski silhouette banayenge. So don't worry, aapko zyada nahi bataungi, direct hum karte hain. Okay? So let's move on. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड सम कलरफुल शीट्स, देन आप सिल्वेट कट कर सकते हो, जिससे भी इंस्पिरेशन लेना आप ले सकते हो फॉर लाइक दिस बैग. जो बन रहा है बैग, ये एक फ़ोटोग्राफ़र के लिए है. तो फोटोग्राफ़र का जो मेन होता है वो कैमरा होता है या एडिटिंग, इस टाइप की चीज़ें होती हैं. तो इसके सिल्वेट को भी मैंने एक कैमरे की तरह बनाया है. सो ये ओवरऑल ये बैग एक कैमरे जैसा लुक होगा. उसके बाद आप इसको इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको अवार्ड्स वाले में बताया था पेस्ट करना, उसी तरीके से हम इसको भी पेस्ट करेंगे अच्छे से. तो एक स्टूडेंट ने मुझसे बोला कि दी प्लीज़ और भी मटेरियल से बताइए. तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पक्का बताऊँगी और भी मटेरियल से. ये वीडियो एक्चुअल में पहले का शूट किया हुआ है, सो या इसलिए मैंने इसे एडिट करके आज अपलोड किया. सो आगे जो हम करेंगे ना, उसमें और भी मटेरियल बताऊँगी. बेसिकली गाइस, कोई मटेरियल से आपको मेन प्रोजेक्ट नहीं बनाना होता है. जैसे पेपर्स जितने भी आपको मिलेंगे 4 to 5, उसका बेसिक स्ट्रक्चर उसी पेपर से बनाओ. लाइक अगर मैं क्ले से बैग बनाऊँगी तो वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा. तो क्ले से बाकी जितने भी मटेरियल मिलते हैं ना, उन सब से डिटेलिंग किया करो. एंड जो बेस बनाना है या जो मेन चीज़ आपको बनाना है वो आप पेपर से बनाया करो. वो ज़्यादा वाइब्रेंट, ज़्यादा अपीलिंग दिखता है. ओके, बाकी एलिमेंट्स को, बाकी मटेरियल को आप यूज़ कर सकते हो उसको डेकोरेट करने में या उसको अच्छे से कवर अप करने में. ओके, एंड वन मोर थिंग, एक स्टूडेंट ने बोला कि आप हमें गलत चीज़ें क्यों बता रही हो, डबल साइडेड टेप वगैरह यूज़ करना क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में नहीं है. वो भी सही है, अपनी जगह एडमिट कार्ड में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है. बट गाइस, ऐसा हर बार ही होता है, एडमिट कार्ड में कुछ लिमिटेड चीज़ें ही होती है. बट स्टूडेंट कैन कैरी, लाइक वो टूल्स कैरी कर सकते हैं. सो स्टेपलर और जो मैं यूज़ करती हूँ डबल साइडेड टेप, ये सब टूल्स में आता है. तो आप कैरी करना, इनकेस अगर वो रखवा लेते हैं तो अलग बात है, अदरवाइज़ आप कैरी तो करोगे ना. अगर सपोज सबको लेके जाने दिया और आपने ये सोच के आप लेके ही नहीं गए कि नहीं लेके जाने नहीं देंगे, तो हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट और अच्छा बन सकता था मॉडल, और लेकिन आप उसे लेके नहीं आए, अपने टूल्स को तो नहीं बना. सो आप कैरी करना, सेंटर सेंटर की बात होती है. अगर वो रखवा लेते हैं बाहर ही आपका मटेरियल, सॉरी जो आपका टूल है, तो बाहर रख देना. अदरवाइज़ आप लेके जा सकते हो और उसे यूज़ भी तो कर सकते हो. ओके, सो या यू हैव टू कैरी दैट. तो जिस प्रोसीजर को मैं फॉलो कर रही हूँ, सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए आप ड्रॉ कर सकते हो. देन हम कट करेंगे उसको. सो ये वाला जो सर्कुलर फॉर्म है ना, ये मैंने बेसिक क्लास में बताया आपको, जिसमें कि मैंने सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब कट करके दिखाया आपको. सो उस वाली क्लास में जाके इसको चेक कर सकते हो किस तरीके से बना है. बहुत ईजी है, ईजिली बना लोगे. ओके, सो इसको पेस्ट करेंगे हम वापस से फिर से, क्योंकि मुझे ना संतुष्टि नहीं हुआ इसकी जो शेप है ना, जिस तरीके से मैंने पेस्ट किया वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने फिर से सर्कल काटा एंड देन उसके ऊपर पेस्ट किया. ये भी आपको दिख जाएगा. सो आप चाहो तो आप डायरेक्ट कट कर लेना, मेरी तरह इतना झंझट मत करना. ओके, अगर मेरे साथ आप बना रहे हो तो. और आप कलर्स अलग भी सिलेक्ट कर सकते हो. ओके, अभी मेरे पास शीट इतने ही अवेलेबल थे, सो मैंने इन्हीं से बना दिया. ओके, सो आई होप दिस विल हेल्प यू गाइस इन योर सिचुएशन टेस्ट. सो एंजॉय दिस प्रोसीजर.
दिस बैग इज़ फॉर फैशन डिज़ाइनर, तो उसी की सिल्वेट फॉलो है यहाँ पे। सो ये जो बैग था ना पिंक वाला, ये हमने हमारे लाइव क्लास में बनाया था, जो रेगुलर लाइव क्लासेस होती हैं उसमें। सो या इट लुक वेरी नाइस, लाइक ये साइड स्लिंग बैग है और ये दिखने में भी बहुत अच्छा है। तो ये एक ट्रॉली बैग था जो पिछले साल का है, सो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। तो ये इसमें आप एलिमेंट्स वगैरह पुट कर सकते हो, इसमें मैंने जूट बैग वगैरह सब भी यूज़ किया हुआ है। तो इसको इस तरीके से, इसका सिल्वेट देख रहे हो, एक कलर पैलेट जैसा है। तो जब भी बैग बनाओ इंस्पिरेशन लेके बनाओ। सो दिस इज़ असाइनमेंट, आई होप यू डू, एंड इफ यू सॉल्व इट देन टैग अस ऑन इंस्टाग्राम और यू कैन सेंड इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने देखा यहाँ तक, तो आई थिंक आपने बैग बनाना सीख लिया होगा। आई एम सो ग्लैड टू हैव यू पीपल जो मेरी वीडियो एंड तक देखते हैं। लेट मी नो आपने बैग बनाना सीखा या नहीं। इफ यू फाइंड हेल्पफुल दिस वीडियो देन जस्ट लेट मी नो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ हैप्पी डेकोरेशन। टाटा।